सुबह सुबह मेरी अन्नदाता अर्थात मम्मी का आदेश आता कि आज तुम तीनों, मैं, मेरी बहन रीना और छोटी बहन सिखा, चुपचाप जाकर अपने अपने कपड़े धो लो, वरना। और मुझे कपड़े धोने में कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत तो बस इस बात की थी कि कपड़े बहुत ज्यादा थे। आइए माता, मैंने 50 रुपए की जैकेट, 50 रुपए की जैकेट। और तभी अन्नदाता कहते हैं कि सिखा के कपड़े भी तुम दोनों ही धोगे। अब क्या ही कर सकते हैं, अन्नदाता ने जो कहा है करना ही पड़ेगा। अब ज्यादा दिमाग न लगाते हुए मैं और रीना कपड़े धोने में लग गए। लेकिन हम दोनों की मेहनत देखकर मम्मी पिघल गई और वो भी कपड़े धुलवाने आ गई। अब कपड़ों को रगड़ रगड़ के चमका कर सूखने के लिए डाल दिए। देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि सारे मोहल्ले के कपड़े हमारी छत पर सूख रहे हैं। अब आगरा में आजकल बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है तो हम लोग आग तापते हुए पेटिस खा रहे हैं, वो भी सिखा की अनुपस्थिति में। अगर उसको पता चला ना तो छोड़ेगी नहीं। और लोग शाम को उसको पता चल ही गया। मैंने उससे कहा बाहर जा रहा हूँ, गोलगप्पे ले आऊंगा, और ये लोग मान गई। अब मैं, लल्लू, नीरज भाई और अनिल जा रहे हैं चर्च के पास हो रही सजावट को देखने। लेकिन यहाँ आकर देखा तो कुछ खास ही नहीं था, बस तो सेंटा क्लॉज की मून वर्क देखकर वापस आ गए। और आधे समय सिखा के लिए गोलगप्पे पैक करा लिए। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना।